अभिषेक ने किया एल्विस को टारगेट, मनीषा ने की पूजा और बेबिका की बुराई। वेल बिग बॉस के लाइव फीड में हमने देखा मनीषा कहती है कि उन्होंने कभी आज तक रोस्ट नहीं किया है किसी को। अभिषेक कहते हैं कि उसे एक बात पूजा की बिल्कुल भी समझ में नहीं आती। मनीषा पूजा की आधी बातें दिमाग से ऊपर चले जाने की बात भी कह रही होती हैं। मनीषा कहती है कि जैसा वो सोच रही है वैसा तो अभी तक कुछ भी नहीं हुआ है। मनीषा कहती है कि बेबिका सबके लिए एविल है और ये बात आज उन्होंने आखिरकार कही दी। अल्बेश अपने फीलिंग्स ना दबा पाने की बात भी अभिषेक और मनीषा से कह रहे होते हैं। मनीषा कहती है कि जो उन्होंने फील किया उन्होंने पूरे रोस्टिंग के दौरान वही कुछ कहा है और इसके अलावा कुछ भी नहीं कहा। अभिषेक एल्विस को मनीषा के नाम से चिढ़ाते हुए भी नजर आते हैं। वही एल्विस के कवर अप करने की बात को अभिषेक पॉइंट आउट करते हैं। एल्विस इन सारी चीजों से काफी ज्यादा अलग हो जाने की बात कहते हैं और अपनी गर्लफ्रेंड के लिए ही सीरियस होने की बात कहते हैं। मनीषा जनता के ज्यादा समझदार होने की बात कहती है। वही मनीषा पूजा की स्टाइल को काफी ज्यादा पसंद करने की बात कहती है रोस्टिंग के दौरान और उनकी काफी ज्यादा तारीफ कर रही होती है। मनीषा कहती है कि रोस्टिंग में भी पूजा ने सिर्फ कमियां ही निकाली है। वही अभिषेक भी कहते हैं कि कंटेस्टेंट्स ने उन्हें गलत ना समझ लिया होगा इन सब की बातें सुनके। अभिषेक इस बात को लेकर काफी ज्यादा परेशान होते हैं कि लोग उन्हें कहीं गलत तो नहीं समझ रहे इस घर के बाहर। अभिषेक कहते हैं कि स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिशन है, उन्हें ये बात पता है कि कोई भी जीत सकता है। वो मनीषा या फिर एल्विस को अपने से कमजोर नहीं समझते, उन्हें भी पता है कि दोनों की अपनी तगड़ी फैन फॉलोइंग है। वहीं अभिषेक से मनीषा कहती है कि सबको अपने आप को डिजर्विंग समझना चाहिए, पर ना इस घर के अंदर सब आए ही क्यों हैं। मनीषा अपने ऊपर भी कॉन्फिडेंस होने की बात कहती है। अभिषेक अपने अंदर ओवर कॉन्फिडेंस ना होने की बात भी कह रहे होते हैं। अभिषेक अपने इंटेंशंस प्योर बताते हैं और अपने पर्सपेक्टिव से अपने डिजर्व ज्यादा करने की बात कहते हैं और उस चीज को गलत नहीं कह रहे होते। अभिषेक कहते हैं कि पूजा को अभिषेक की लाइंस सबसे ज्यादा बुरी लगी होंगी। वहीं मनीषा कहती हैं कि वो जो फील करती है वो वही कहेंगी। अभिषेक की तबीयत भी खराब होती है। वहीं मनीषा इसलिए परेशान होती हैं कि जर्नी की वीडियो अभी तक नहीं दिखाई गई है। वहीं मनीषा फिनाले के ऑन द स्पॉट सारी चीजें हो जाने की बात भी अभिषेक से डिस्कस करती हुई नजर आती है। अभिषेक की लाइंस को मनीषा काफी ज्यादा पसंद करती है और अभिषेक के रोस्टिंग की काफी ज्यादा तारीफ भी कर रही होती है। मनीषा एल्विस की भी एक लाइन से काफी ज्यादा खुश नजर आती है। मनीषा कहती है कि बेइज्जती अभिषेक ने उनकी ऑल इंडिया के सामने कर ही दी है। अभिषेक कहते हैं कि बेबिका को उनकी बातों से सबसे ज्यादा बुरा लगा होगा। अभिषेक कहते हैं कि उनकी जिनसे लड़ाई हुई है वो दोनों एक ही टीम में है, पूजा और बेबिका, क्योंकि एक टीम में हो चुके हैं। अभिषेक कहते हैं कि बेबिका को एल्विस की बातों का बुरा नहीं लगा होगा, जबकि एल्विस ने अभिषेक से ज्यादा ही बुरी बातें बेबिका को कही है। मनीषा भी कहती है कि एल्विस ने नेगेटिव बातें कही हैं रोस्टिंग के दौरान, जो कि अभिषेक और उन्होंने नहीं की है। मनीषा कहती है कि पूजा एल्विस की गलतियों को नजरअंदाज कर देती है, क्योंकि एल्विस ने वो सारी बातें बेबिका को कही थी इसलिए पूजा ने उन्हें माफ कर दिया। लेकिन उसकी जगह अगर गलती से वो बातें अभिषेक और मनीषा में से किसी ने कही होती तो वो बवाल आज तक चल रहा होता। वही मनीषा कहती है कोई एल्विस को आखिरकार कुछ क्यों नहीं कहता इस घर में उनकी गलतियों के लिए। आपका मनीषा की पूजा के लिए कई इन बातों पर क्या कुछ है कहना हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। ऐसे ही अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।